हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिसेस कृति। मिसेस कृति ने जो हमारे साथ जर्नी स्टार्ट किया था, दैट इज़ 79.1, एंड टुडे आफ्टर लूजिंग 18 केजीज शी इज़ ऑन 61 केजीज, राइट? शी इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल दोज न्यू मदर्स हु वॉन्ट टू शेड वेट पोस्ट प्रेगनेंसी, राइट? दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज व्हेन योर बेबी इज़ टू यंग। क्या आप अपने बारे में सोचें, अपने वेट के बारे में सोचें? शी वॉज ऑल्सो इन अ डायलेमा कि करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शी वॉन्ट टू शेयर हर जर्नी विद अस। एंड एक और मज़ेदार बात यह है कि उनके आज जो आउटफिट्स हैं, जो उनके शादी के आउटफिट्स हैं, वो भी उनको लूज़ हो चुके हैं, क्योंकि आज वो उस वेट से भी कम वेट पे हैं जो उनकी शादी में था। मिसेस कृति वॉन्ट टू शेयर हर जर्नी विद अस। हेलो एवरीवन, जैसे कि रिचा मैम ने आपको बताया, आई वॉज एक्चुअली वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड एट द सेम टाइम आई वॉज इन टेंशन दैट हाउ विल आई लूज दिस मच। आई गेन अराउंड 21 केजीज इन माई प्रेगनेंसी, विच वॉज लाइक 14 केजी आफ्टर डिलीवरी आई हैड टू लूज, एंड इट वॉज लिटरली वेरी डिफिकल्ट, बट आई समहाउ केम टू नो अबाउट आरोग्यम न्यूट्रिशन एंड इट वॉज ग्रेट हेल्प, लिटरली ग्रेट, बिकॉज आई डिडंट डू like any starvation. I eat according to my wish at sometimes, but still I could lose so much along with lactation. That was a biggest challenge as well. Like all the elders, meri sasu maa sab log keh rahe the ki kahin milk supply mein koi problem nahi aani chahiye, but everything went really well and really smoothly, so I'm really really like thankful for everyone here, especially Sarika and Richa ma'am. Thank you for your support and guidance.